हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स माय। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हुंडई i20 कार का। दोस्तों अगर आप लोग भी i20 कार को अपने घर लाना चाह रहे हैं तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आप हुंडई i20 के बेस मॉडल टॉप मॉडल को कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करके घर ला सकते हैं और बची हुई पेमेंट पर अगले 5 सालों के लिए आपकी जो मंथली लोन ईएमआई बनेगी वो क्या बनेगी और जो टोटल इंटरेस्ट आपको अगले 5 सालों में देना पड़ेगा वो क्या दोस्तों देना पड़ेगा। दोस्तों पेमेंट से रिलेटेड दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों हमारे इस वीडियो पर बने रहिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स माय पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जो हुंडई i20 का बेस मॉडल है उसका नाम है मैग्ना डीजल दोस्तों, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 8,33,700 रुपए और जिसका आरटीओ चार्जेज है 79,278 रुपए। दोस्तों हर सिटी का आरटीओ चार्ज अलग होता है तो आप अपनी सिटी का आरटीओ चार्ज एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इस कार का जो इंश्योरेंस है दोस्तों 39,461 रुपए का है और जिसका ऑप्शनल प्राइस है दोस्तों यहाँ पर वो है 48,195 रुपए। तब जाके दोस्तों जो इस कार की ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली में बनती है वो बनती है 9,52,439 रुपए। दोस्तों तो जो हुंडई i20 का टॉप मॉडल है उसका नाम है एस्टा ऑप्शनल डीजल DT डीजल मॉडल दोस्तों, जिसकी एक शोरूम प्राइस है यहाँ पर 10,90,200 रुपए और जिसका आरटीओ चार्ज न्यू दिल्ली में 1,42,605 रुपए। दोस्तों हर सिटी का आरटीओ चार्ज अलग है तो आप अपनी सिटी का एक बार आरटीओ चार्ज कंफर्म कर लीजिएगा इसके टॉप मॉडल के लिए। और दोस्तों जो इसका इंश्योरेंस का प्राइस है वो 47,013 रुपए है और जिसका अदर्स का प्राइस है यहाँ पर वो 10,902 रुपए है। तब और इसका जो ऑप्शनल प्राइस है वो 50,064 रुपए है। तब जाके दोस्तों जो इस कार की ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली में बनती है वो बनती है 12,90,720 रुपए। दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग हुंडई i20 जो इसका बेस मॉडल है मैग्ना उसकी लोन ईएमआई यहाँ पर जानेंगे कि आपको यहाँ पे कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको इस कार के लिए जो मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो यहाँ पे करनी पड़ेगी 93,000 रुपए इसके बेस मॉडल की। और यहाँ पे हम लोग जो बैंक इंटरेस्ट रेट लेके चल रहे हैं वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट 8% रेट लेके चल रहे हैं। और दोस्तों जो हम लोगों का लोन पीरियड है यहाँ पर वो अगले 5 सालों के लिए है। तो जानेंगे दोस्तों अब इसमें जो आपका टोटल लोन अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा। आप लोग देख सकते हैं जो इसका टोटल लोन अमाउंट बनेगा वो 7,01,153 रुपए बनेगा और जो इसका पेबल अमाउंट बनेगा दोस्तों टोटल वो 8,53,020 रुपए बनेगा और जो इसका आपने जो एक्स्ट्रा प्राइस पे करेंगे इसके अगले 5 सालों के लोन के साथ वो 1,51,867 रुपए पे करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, यहाँ पर हम लोग इसकी ईएमआई कैलकुलेट करेंगे आपको अगले 5 सालों के लिए इसकी पर मंथ की लोन ईएमआई क्या बनेगी। आ चुकी अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर जहाँ पर आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन की ईएमआई बिल्कुल आसानी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों जो हम लोग को अपनी ईएमआई कैलकुलेट करनी है अपनी कार लोन की ईएमआई कैलकुलेट करनी है तो हम लोग यहाँ पे कार लोन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हम लोगों का कार लोन अमाउंट था वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अपना कार लोन अमाउंट एंटर कर दिया। जो हुंडई i20 के बेस मॉडल का कार लोन अमाउंट था वो 7,01,153 रुपए था दोस्तों। तो दोस्तों इसका टोटल इंटरेस्ट है दोस्तों वो है 8.5%। दोस्तों हम लोग SBI का इंटरेस्ट रेट लेके चलते हैं। दोस्तों हम लोगों का जो SBI का इंटरेस्ट रेट होता है वो 7.65 से 8.45 के बीच में होता है तो हम लोग यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लेके चल रहे हैं वो 8% ले इंटरेस्ट रेट लेके चलते हैं। तो जो इस कार में हम लोग लोन टेनर लेने वाले, मतलब जो लोन पीरियड इस कार के ईएमआई का होगा वो अगले 5 सालों के लिए यहाँ पे लेने वाले हैं हम लोग। दोस्तों जो इसकी लोन ईएमआई कैलकुलेट होकर आती है वो आती 14,217 रुपये और जो उसको टोटल इंटरेस्ट आपको अगले 5 सालों में पे करना पड़ेगा वो 1,51,858 रुपये पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगले 5 सालों में जो इसकी टोटल पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के वो बनेगी 8,53,011 रुपए। दोस्तों आप इसको दोस्तों ग्राफ के मीडियम से समझ सकते हैं। जो इसका ऑरेंज एरिया है वो 17.8% आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और ग्रीन एरिया 82.2% में आपको टोटल प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा। दोस्तों आप हमारे इस लिंक पर जाके इस ईएमआई पेमेंट ईयर को जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों मैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके चेक आउट करके इसके टॉप मॉडल की ईएमआई जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई ऐसी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।